चैनल में आपका स्वागत है। डबल डेकर बस का नाम तो आपने सुना होगा, क्या आपने डबल डेकर सैंडविच का नाम सुना है? तो आज की रेसिपी हम जो शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, डबल डेकर सैंडविच, जो कि सैंडविच में प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो कि वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले आइए देख लेते हैं हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हमने लिया है 3 स्लाइस ब्रेड। आप यहाँ गेहूं के आटे के, मैदा के, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। हमने यहाँ लिया है इंग्लिश ओवन ब्रेड। चलिए वहीं पे हमने 1/4 ग्रीन शिमला लिया है, जिसको हमने टुकड़ों में काट लिया है, और पीली हम शिमला लिए हैं वो भी 1/4, रेड मिर्च वो भी 1/4, कॉर्न को हमने क्या किया है 1/4 लेके इसको हाफ बॉयल किया हुआ है, और गाजर हमने लिया है जिसको हमने ग्रेट किया हुआ है। हमने प्याज भी डाल रही हूँ, आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लाल अगर पीली शिमला ना हो तभी भी चलेगा, सिर्फ ग्रीन भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ सॉस लिया है, आप यहाँ पिज्ज़ा सॉस मिलती है बाजार में आसानी से पाउच में, वो भी ले सकते हैं। वहीं हमने धनिया की चटनी बनाया हुआ है, धनिया चटनी की रेसिपी हमने कई बार डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लिए हैं नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग पिज्ज़ा सीजनिंग, जो पिज्ज़ा में डलती है, इससे इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाती है। थोड़ी सी 1/2 स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 स्पून रेड लाल मिर्च, आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने चटनी में भी डाला है, या तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये है 3 बड़े स्पून मायो, और जाएगी बटर, और हमने कुछ चीज़ स्लाइस लिया हुआ है, हालांकि चीज़ स्लाइस जो है बर्गर में डली जाती है, आप यहाँ क्यूब वाली अमूल क्यूब चीज़ भी ले सकते हैं और मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं। चलिए हमने लिया है एक बाउल, और सभी सब्जियों को हम यहाँ डाल के मिक्स कर लेते हैं। सभी सब्जियाँ डल गई है, हम यहाँ डाल रहे हैं मसाला। मसाले में डालेंगे 1/2 स्पून ब्लैक पेपर। चलिए टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, और जाएगी ये तकरीबन 1.5 स्पून हमने लिया है, और डाल देंगे मायो जो हमने लिया है। चलिए सभी को हम यहाँ मिक्स कर लेते हैं स्पून से। सभी को हमने मिक्स कर लिया है, इसको रखते हैं साइड में, और ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे किनारा काट भी सकते हैं, आप इसे किनारा नहीं भी काट सकते हैं। अब इसमें बटर लगाएंगे, बटर को मेल्ट करना पड़ा हमें, सर्दी आ गई थोड़ी थोड़ी, बटर लगा दिया है। अब हम इसमें केचप लगा देते हैं, फिर उसके बाद ये चटनी डालेंगे। अब जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है ना, इसको यहाँ डाल देंगे, पूरी अच्छी तरीके से प्लेट पे फैला देंगे। पेस्ट डालने के बाद फिर इसी तरह हमने यहाँ चीज़ की स्लाइस डाल देनी है, और इसको भी तैयार कर लेते हैं। फिर ठीक दूसरे प्रोसेस में हम यहाँ फिर से बटर लगाते हैं, फिर से बटर लगा दिया, फिर से सेम प्रोसेस वही, फिर सॉस डालेंगे, से ग्रीन चटनी, फिर से पेस्ट डालेंगे, मायो आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं, मुझे कम लग रहा है, आप यहाँ और डाल सकते हैं। ठीक उसी सेम प्रोसेस से बनाएंगे। डबल डेकर एक ऐसी बस है जिसके 2 स्तर होते हैं, जिसमें यात्री जो है ऊपर और नीचे बैठी जाती है। सेम प्रोसेस हम यहाँ डबल डेकर बना रहे हैं, इसलिए हम सैंडविच को भी डबल बनाएंगे। फिर से यहाँ चीज़ स्लाइस डाल देंगे, सॉरी फट गया, कोई बात नहीं। चलिए एक के ऊपर एक रखते जाएंगे सावधानी पूर्वक, फिर से तीसरे में बटर लगाएंगे। चलिए इसमें हम सिर्फ बटर और थोड़ी सॉस, ग्रीन चटनी, और इसमें हम पेस्ट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी डबल डेकर बना रहे हैं, तो 2 लेयर हो चुकी है। अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर से डाल देनी है, और अब इसके ऊपर से हम बटर डाल देते हैं। ये हमारी रेडी हो चुकी है, बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने लिया है ग्रिल तवा, आप कोई भी ले सकते हैं, आपने मार्क किया होगा
कि हमने नीचे वाले स्लाइस में बटर नहीं लग पाया, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी बटर से ग्रीस करेंगे ताकि नीचे अंदर की ओर भी लग जाए। अब इसको यहाँ पर डाल दीजिए सावधानी पूर्वक और इसको थोड़ी सी प्लेट से दबा देंगे। प्लेट से इसे इसलिए दबाते हैं ताकि इसका जो प्रिंट है ना ग्रिल्ड का वो आ जाएगा, अगर आप दबाएंगे नहीं तो नहीं आएगा। ये ध्यान रखें, मैं पिछले बार बताना भूल गई थी जब मैं सैंडविच बनाई थी, दबाए रखें जब तक ये प्रिंट ना निकल जाए और थोड़ी से गोल्डन ब्राउन इसे सेक लेते हैं। और गैस की फ्लेम अभी से मेरा स्लो ही था। चलिए इसे सावधानी पूर्वक इसे उठा के उठाते हुए इसे धीरे से पलट दें। आपने देखा थोड़ी सी इसकी प्रिंट आ गई। अब क्या करना है, इस पर थोड़ी सी यहाँ बटर डाल दें, इसमें सॉस डाल देते हैं, सेम प्रोसेस। फिर से ग्रीन चटनी भी डाल देते हैं, फिर से यहाँ पेस्ट डाल देते हैं। अब इस जगह चीज़ डाल देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे ये मेल्ट हो जाएगा। साइड में छोटी सी कटोरी रखें, इसमें थोड़ी सी हमने पानी डाल दिया है। अब इसको कवर कर देंगे तो इसका जो पानी का स्टीम जाएगा ना इसके अंदर वो मेल्ट हो जाएगा चीज़ आपका। कवर कर दें 5 मिनट के लिए सॉरी, उसके बाद इसे पका लें जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। चलिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसको गैस को करते हैं ऑफ और इसे हम सर्व कर लेते हैं। हम इसके ऊपर अब थोड़ी सी ब्लैक पेपर का स्प्रिंकल कर रहे हैं और जो हमारे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग का हर्ब्स है उसे भी हम कर रहे हैं ताकि ये और टेस्टी लगे। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है और इतना टेस्टी बनी है कि बता नहीं सकती हूँ, बहुत टेस्टी बनी है और जल्दी झटपट बन जाती है। जिसको कुकिंग नहीं आती है ना उसके लिए तो ये खास रेसिपी है कि बिना तामझाम का और पौष्टिक भी है। सारी हर्ब्स सॉरी ग्रीन्स वेजिटेबल डली हुई है। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए। यकीन न मानिएगा, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे वो कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।